सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स की तरफ से, आपकी जो मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट दी हुई की तरफ से आ रही क्लास 8 की, उसके बारे में। इस वर्कशीट के अंदर आज हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। 9/9/2023 आज की डेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें कहा गया है फैक्टर्स आर द नंबर डैट डिवाइड एग्जैक्टली नंबर। किसी नंबर को जब कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है वही उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में जाएगा, 10 को 5 से करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, 10 को 10 से करेंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा। ईच ऑफ दीज डिवाइड्स एग्जैक्टली बाय 10। ये सभी के सभी 10 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स की अगर बात करते हैं तो ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो एग्जैक्टली दो बार क्या है किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, जैसे एक बार खुद से और एक वन से, तो इसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स बोला जाता है। इसके बाद आप देखोगे कंपोजिट नंबर कौन से नंबर हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर क्या हैं मोर देन, दो बार से ज़्यादा डिवाइड होंगे, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक वो वे है जहाँ पर हम किसी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब देखो एक्सप्रेस करना है जैसे 48 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, तो कैसे कर सकते हो? देखो 48 जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे 24 टाइम्स में जाएगा, 2 से फिर करेंगे 12 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम्स में जाएगा, फिर इस 6 को 2 से करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, 3 को से करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। जैसे ही 1 आएगा वहाँ फैक्टर रुक जाएंगे। इसी तरीके से 48 बराबर क्या हो गया? देखो ये वाला 2 फिर 2, इधर के जितने नंबर हैं ये सारे लिख दो 2 2 × 2 × 2 × 3। ऐसे ही इधर भी करते हैं 80 से अगर करेंगे 80 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स में, 2 से करेंगे 20 टाइम्स में, 2 से करेंगे 10 टाइम्स में, 2 से करेंगे 5 टाइम्स में चला जाएगा और 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। फिर इधर वाले नंबर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब ऐसा ही आपको 100 का प्रोडक्ट निकालना है, प्राइम प्रोडक्ट, तो पहले 100 लिख दो, है ना। 100 को 2 से करोगे 50 आएगा, फिर 50 को 2 से करोगे 25 आएगा, फिर 5 से करोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे 1 आ जाएगा। तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, चलो। अगर आपको देखो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।